रांची के टाटी सिल्वे में रहने वाले ये हैं सेना से रिटायर्ड कैप्टन शशि भूषण प्रसाद सिंह। कारगिल की लड़ाई और ऑपरेशन ब्लू स्टार समेत अन्य अभियानों में सराहनीय कार्य के लिए ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। श्री सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश और सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। कि जो सदियों पुरानी OROP वन रैंक वन पेंशन जो था, जो कि नहीं हो रहा था, नहीं मिल रहा था, वह मोदी जी ने आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर पहल किए और सभी को इससे लाभान्वित किए हैं, सब इसका फायदा उठाया है। इस तरह से फौज का मनोबल बहुत ही ऊंचा है। जो आज की डेट में आधुनिक हथियार चाहिए वह उनको पर्याप्त मिल रहा है। इस पर कोई कहीं से भी कटौती नहीं है। क्लियर माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट सेना के तरफ से है वह हमें डिमांड करे और हम उनको देंगे। कैप्टन शशि भूषण प्रसाद सिंह को रिटायर हुए 15 साल हो गए हैं। वे बताते हैं कि पहले के मुकाबले अब रक्षा क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। यह स्तर पर हम लोग पहुंच गए हैं कि इतना है कि एक हमारा जहाज जो है सो M12 है, जिसके नाम से डकोटा है, M12 है, वह देन एंड देयर जहां भी हो उस वक्त जो है उसको ले जाएगा और पहुंचाएगा। और अभी जहां भी गतिविधियां इस तरह की होगी वो देन एंड देयर वहां पर हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो पहले में और आज में यह इतना बहुत बड़ा अंतर आया है। रिटायर्ड कैप्टन शशि भूषण प्रसाद सिंह की पत्नी प्रतिमा देवी को इस बात का गर्व है कि उनके पति ने देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाई है और आज भी उनके सीने में देश प्रेम धड़कता है। जो जैसे प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं सेना के जवानों से तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। जो हमारे भी पति इसमें काम किए हैं और रह रहे हैं और सारा सुविधा, पेंशन की सुविधा, कोई कमी महसूस नहीं होती है और बहुत हम लोग गौरव महसूस करते हैं जो हमारे पति भी सेना में थे। देश के सच्चे प्रहरी घर से दूर जब वीरानी में कंटीली तारों के बीच ड्यूटी करते हैं तभी 125 करोड़ भारतीय अपने घरों में चैन से सोते हैं। देश के ऐसे जवानों, उनके परिजनों और सेना पर सभी को अभिमान होना चाहिए। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।